कि कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाएं या 27 तारीख को मनाएं? आज छपाया जा रहा है, वो दूध पिला रहे हैं गोपाल जी को, तो पूरा वीडियो पूरा पोस्टर सब बन रहा है। ये प्रेम नहीं, ये भक्ति नहीं, इसमें बड़ी गोपाल जी और जो मन में आया जैसे, ऐसे नहीं। थोड़ा मर्यादा, वो भगवान है, वो परमात्मा भी है, तुम्हारे भाव के लिए गोपाल जी है। जवान था, सुंदर भी थी, जवान भी थी, तो धरा के स्तनों की ओर इशारा किया उसने, कहा कि यदि तुम हमें अपने ये स्तन दे दो तो हम तुम्हें धन दे सकते हैं। भगवान ने माता देवकी को वादा किया था कि मैं आपके गर्भ से पैदा होऊंगा, लेकिन भगवान ने यशोदा माँ को भी वादा किया था मैं आपका बेटा बनूंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, कुछ प्रमुख चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्फ्यूजन क्या है जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाएं या 27 तारीख को मनाएं? कुछ लोग 26 अगस्त को मना रहे हैं, कुछ लोग 27 अगस्त को मना रहे हैं। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि कब जन्माष्टमी मनाई जाए। तो 26 तारीख को कृष्ण जन्मभूमि में तो 26 को मनाया जा रहा है उत्सव, कुछ मंदिरों में कुछ स्थानों में 27 को मनाया जा रहा है। अब आप सब बड़े कन्फ्यूज होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो एक ही तिथि पर हुआ अष्टमी को, फिर ये दो तिथि पर क्यों मनाया जा रहा है, दो दिन क्यों मनाया जा रहा है? तो कन्फ्यूजन समझिए, हमारे सनातन में क्या है, तिथि कई बार बढ़ जाती है, कई बार तिथि की हानि हो जाती है। इसी तिथि के बढ़ने से 3 वर्ष में एक नया महीना तैयार हो जाता है जिसे पुरुषोत्तम माह कहते हैं। अच्छा, अब हम और आप कब मनाएं? क्या दोनों दिन में कन्फ्यूजन में उलझी रहें? ना, हम ऐसा करें कि ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की इस पावन अष्टमी को हम दोनों दिन मनाएं, भगवान का उत्सव दोनों दिन करें, तो बुराई क्या है? 26 को भी गौरी गोपाल आश्रम में यदार्थ अनिरुद्ध, हम तो 26 को भी 11 बजे से खूब बढ़िया पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए भगवान जी का 26 तारीख की रात को 12 बजे यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। तो 26 को भी हम जन्माष्टमी मना रहे हैं और 27 को भी यहाँ पे 12 बजे खूब बढ़िया बधाई लुटाई जाएंगी, उत्सव होगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 26 तारीख को और 27 तारीख, दोनों तारीखों को यहाँ पर 11 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। गोपाल जी को बढ़िया दूध से दही से स्नान वगैरह होगा। तो आप ऐसा करिए कि आप लोग घर बैठे ही 26 तारीख को भी आप घर बैठे अपने गोपाल जी को सामने रखिए, दूध दही की तैयारी रखिएगा, और यहाँ गौरी गोपाल में जो जो पूजा जिस तरह से होगी आप भी करते जाइएगा। तो आप भी 26 को पूजा करिए, भगवान जी का उत्सव मनाइए, 27 को आप व्रत रखिए, 26 को भी पूजा करिए, 27 को भी पूजा करिए। अब ये सवाल खड़ा हुआ कि व्रत किस दिन करें फिर, तो उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख को जन्माष्टमी है, तो उदया तिथि को यदि माना जाए तो व्रत के लिए 27 तारीख है, तो आप 27 तारीख को व्रत कर सकते हैं। खूब आनंद से व्रत का लाभ लीजिए, व्रत निराहार रखें या कुछ फलहार कर लें, वो आपकी स्वतंत्रता है। इस तरह से हम दोनों दिनों का लाभ लेंगे, किसी दिन तो कन्हैया पकड़ में आएंगे ना। तो आप 26 को खूब प्रेम से भगवान जी को स्नान ध्यान कराएं, दूध से दही से घी से शक्कर से शहद से, और 27 को भी, 26 को भी रात के 12 बजे तक जाग के भगवान का कीर्तन करें, 27 को भी रात के 12 बजे तक जाग के कीर्तन करें। तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा अब पुत्र भाव से 7 साल से करती हूँ, लेकिन परमात्मा भाव भी होना चाहिए। ये लाला है कौन? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है, लड्डू गोपाल किसका प्रश्न है? तो आपको पता है लड्डू गोपाल कौन है? हाँ, परमात्मा श्री कृष्ण। ये भाव रखना है तो वैसे ही व्यवहार करना है, लाला जैसा प्यार करना है, लेकिन ये भाव ध्यान जरूर ध्यान रखना है कि ये परमात्मा है,
अगर परमात्मा नहीं तो आजकल देखो ना वैसे ये गोपाल जी और जो जो मन में आया जैसे ऐसे नहीं, थोड़ा मर्यादा, वो भगवान है, वो परमात्मा भी है, तुम्हारे भाव के लिए वो गोपाल जी है लेकिन वो परमात्मा है, वैसे व्यवहार करना है। ऐसे नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए गोपाल जी की सेवा करनी है, पर यह ध्यान रखना कि गोपाल जी मेरे प्रभु हैं, पुत्र होते हुए, पुत्र भाव वात्सल्य भाव रखते हुए। ये हम नहीं कह रहे, आप देखो भागवत पढ़कर देखो, देवकी वसुदेव जी से भगवान कह रहे हैं कि मेरे ये चतुर्भुज रूप दिखाने का कारण यही है कि जब मैं बाल रूप धारण करूंगा तो तुम मेरी महिमा को नहीं जान पाओगे, इसलिए मेरे इस चतुर्भुज रूप से जानो कि मैं तुम्हारा पुत्र बनने जा रहा हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा पुत्र बनने जा रहा हूं, तो मुझ में ब्रह्म भाव और पुत्र भाव दोनों भाव रखना देवकी वसुदेव जी को। और उन्होंने स्तुति भी की भगवान की। तो ये ध्यान रखना है कि गोपाल जी है कौन, वो अखिल ब्रह्मांडों का बाप है जो हमारे भाव के लिए वो पुत्र बना हुआ है, हमारे भाव के लिए गोपाल जी बना हुआ है, वो अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है, पिता है। और जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर पूरा प्रेम उन्हीं के प्रति आता है। तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रविणंग तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। तो ये भाव जरूर रखना है कि लड्डू गोपाल जी केवल लड्डू गोपाल जी नहीं है, वो सारे जगत के स्वामी भी है। नहीं, ये चीजें गुप्त रखनी चाहिए। ये चीजें कहने का मतलब है अहंकार पुष्ट हो रहा है तो अभी साधना नहीं ठीक बन रही। ये किसने प्रश्न किया, आप क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि आपको ये बताना है कि आप गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और गोपाल जी आपके ऊपर बहुत कृपा करते हैं, जो कि असली बात नहीं है। अहम क्यों आ गया आपके अंदर? असली भक्ति में तो धन्यता आती है। अगर कोई कहे भी कि तुम्हें गोपाल जी तो बहुत सुख देते होंगे तो कहां हमारी ऐसी भक्ति, कहां भक्ति, ऐसा उत्तर देते। अभी आप की लाइन बदल रही, क्लियर मार्ग से हट रहे, उसको सही कीजिए। आप हमारी बात समझ रहे ना, भगवान की कृपा से अगर यहां वार्ता की है तो उसका सुधार कीजिए। इस बात को आप ओपन क्यों कर रहे हैं? हमने प्रश्न नहीं किया और ये सुनना नहीं चाहते, आप क्यों ओपन कर रहे हैं? क्योंकि अहम ये बताना चाहता है कि मेरी भक्ति मेरे में आ गई है और रंग ला रही, जो कि भक्ति नहीं आई, अहम पुष्ट हो रहा है। ये मतलब आंतरिक अध्यात्म की डॉक्टरी है। आप जहां प्रश्न कर रहे हो यहां केवल भगवत प्राप्ति की चर्चा होती है और जरा भी भगवत प्राप्ति में जो कनेक्शन लूज होगा वो यहां टाइट किया जाता है। आप अगर उसे अपमान समझे तो बात अलग है, और अगर आप उसे कृपा समझे तो आप आज से ये बात नहीं कहेंगी कि मेरे ऊपर बहुत इस तरह की कृपाएं। उनको छुपाया जाता है, जितना छुपाओगे खेलेंगे, अगर बता दोगे तो बंद हो जाएगा। तो काहे को घाटा से, हमारा लाला हमसे खेलता है वो तो हमारी बात है। आप सोचो, अपने प्रभु को प्रीतम माने या पुत्र माने या कुछ, ऐसे ही आप अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रहे हैं, आप मालिश कर रहे हैं, या ये किसी से व्याख्या करेंगी जाके क्या? अगर कहे जाएंगे तो बोले पगली अपने बच्चे की बात कहती है। तो अपने प्रभु के संबंध की बात, हम उनके दुलार की बात, उनकी कृपा की बात, छुपाना है या छपाना है? आज छपाया जा रहा है। वो दूध पिला रहे हैं गोपाल जी को तो पूरा वीडियो, पूरा पोस्टर सब बन रहा है। ये प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं, इसमें बड़ी हानि है। जो लोग ऐसा करते हैं समझ नहीं पा रहे। हम कुछ चीजें ठाकुर जी की दिखाएंगे आपको भक्ति बढ़ाने के लिए आपकी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी पर्सनल है, हम नहीं दिखाएंगे। ठाकुर जी का स्नान करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी की दुलार लीला, ये नहीं दिखाएंगे। हम झूला झूला रहे हैं, हम श्रृंगार किए विराजमान है, हम आरती कर रहे हैं, इतना दिखा सकते हैं जिससे आपकी भक्ति बढ़े, आप उसका अनुसरण करें। वो भी आचार्य कोटि गुरु कोटि के, तब साधारण को वो भी नहीं करनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी तो आजकल सभी लोग रखते ही है लगभग घर में, पर एक बात ध्यान रखना, लड्डू गोपाल जी रख तो रहे हो पर जो उनकी विधि विधान से सेवा भी होनी चाहिए ना, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी ऐसे ही नहीं रख सकते, बड़ी मूर्ति फिर भी आसानी से सेवा हो सकती है, पर गोपाल जी की जो सेवा होती है ना वो बड़ी, उसमें एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बच्चे का ध्यान रखते ना, बच्चे को कब दूध चाहिए, बच्चा कब सोना चाहता है, ये सब। अब वो तो गोपाल जी है ना, आप कहोगे भगवान है, भगवान वाला भाव लाओगे तो फिर लड्डू गोपाल जी मत रखो। गोपाल जी वही रखो जिनके मन में ठाकुर जी के लिए वात्सल्य भाव है, उन्हीं को गोपाल जी रखने चाहिए। जो ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो, बालक मानते हो,
जो भगवान को दूसरी भक्तियों से आराधते हैं वो भगवान की बड़ी मूर्ति रखो। गोपाल जी रख रहे हो तो उनका फिर एकदम ध्यान रखो कब खिलाना है। अष्टयाम सेवा होती है, ज्यादा नहीं कर सकते पर इतना तो करो, सुबह दोपहर शाम बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाने को भोग लगाते रहो। अब प्यास लगी हो थोड़ा जल रख दो, जल पिला दो। ऐसे नहीं कि कहीं भी ला के पटक दिए रख दिए गोपाल जी और फिर बस, ऐसे नहीं होती। उल्टा अपराध मत करो, मत रखो, इससे बढ़िया फोटो चित्र रख लो। चित्र रखोगे थोड़े नियम कम हो। एक कभी भी आप ठाकुर जी को अपने आराध्य को घर में अंदर बंद करके अकेला नहीं जा सकते, जा भी रहे हो तो इतना जाओ कि भोग के समय आ जाओ या आरती के समय आ जाओ, ये ध्यान रखना चाहिए। बंद करके गए ब्याह में, पार्टी कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और गोपाल जी के सामने रख गए चनोरी। भगवान ने माता देवकी को वादा किया था कि मैं आपके गर्भ से पैदा होऊंगा, लेकिन भगवान ने यशोदा माँ को भी वादा किया था मैं आपका बेटा बनूंगा। अब एक भगवान है और दो माताओं को वादा कर दिया, तो फिर दोनों वादाओं को सिद्ध करने के लिए भगवान ने प्लान बनाया कि दोनों के गर्भ से चलते हैं, फिर दोनों मिलके एक हो जाएंगे। दोनों चलते हैं अलग अलग गर्भ में और फिर दोनों के यहां से प्रकट होके दोनों मिलके एक हो जाएंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी सुनी सुनिएगा। ये माता देवकी कौन है? इन्होंने बहुत तप किया तब इन्होंने भगवान को पाया। कथा ये भी मिलती है संतों की वाणी से कि माता कैकई, जब माता कैकई राम जी से मिलने चित्रकूट आई तो माता कैकई की आंखों में आंसू थे। माता कैकई ने भगवान से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना कष्ट दिया, नंगे पांव आपको जंगल जंगल चलना पड़ रहा है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। राम जी ने माँ के चरण पड़े, चरण छुए और कहा, माँ आपको मुझसे माफी मांगने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? कैकई माँ ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे माफ कर दिया? राम ने कहा, माँ आज आप जो मांगोगी आपका बेटा देगा, बोलो क्या चाहती हो? मैंने कभी आपसे गुस्सा हुआ ही नहीं, आपने जो किया है ठीक किया। कैकई माँ ने कहा, यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो एक वचन दो, एक वादा करो। कौन सा वादा? कैकई माँ ने कहा कि तुम मुझे वादा करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन के पैदा होगे। तो राम जी ने कहा, ठीक है मैं आपका बेटा बन के आऊंगा पर दूध नहीं पीऊंगा आपका। बेटा बन के आऊंगा जरूर पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही माता कैकई द्वापर युग में देवकी माता बनी। वही माता कैकई क्या बनी? माता देवकी। अच्छा ये तो हो गई देवकी के, जन्म तो ले लिया पर दूध नहीं पिया, इसलिए भगवान ने जन्म तो लिया माता देवकी के गर्भ से, परंतु प्रकट हुए देवकी के यहां पर उन्होंने दूध नहीं पिया। अच्छा दूध पीने का वादा किसे कर दिया था? ये यशोदा मैया कौन है? इनके पूर्व जन्म की कथा क्या है? तो इनकी कथा भी कुछ ऐसी है कि ये माता यशोदा पिछले जन्म में, माता धरा इनका नाम था, यशोदा मैया का नाम क्या था? धरा। द्रोणो वशुनाम प्रभो प्रभरो धरया सह भार्यया भार्यया। कहने का अर्थ ये है कि यशोदा मैया का नाम था धरा। ये पिछले जन्म की कहानी है यशोदा की। तो यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी, ये सदा संतों की सेवा करती थी, सदा संतों की सेवा करती थी। कोई भी आ जाए खाली नहीं जाता था, भोजन पानी खूब कराती थी और सदा भगवान का नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। संतों को भगवान के रूप में देखा करती थी और भगवान से पुत्र रूप में प्यार करती थी। ये धरा भगवान से किस रूप में प्यार करती थी? पुत्र रूप में। मेरा कन्हैया है, मेरा पुत्र है, मेरा कन्हैया, पुत्र रूप में प्यार करती थी। एक दिन इनके यहां कुछ संत आए माता धरा के यहां
और संतों ने कहा बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो धरा ने कहा जरूर मिलेगा। उस दिन धरा के घर में कुछ नहीं था। एक्चुअली ये क्या जंगल से लकड़ियां लाया करती थी और लकड़ी लाके बाजार में बेचती थी, उससे जो पैसा मिलता था उससे ये साधु सेवा करती थी। द्वार पे आया अतिथि कभी भूखा ना जाए, इसका ध्यान हम सभी गृहस्थों को रखना चाहिए। तो धरा रखती थी। अब करते करते बहुत समय गुजरा, लकड़ी काट के लाती जंगल से बेचती। एक दिन जंगल की लकड़ी लाई, जो पैसा मिला संतों को भोजन कराया, संतों ने भोजन किया और चले। संत गए तभी दूसरे संत आ गए। अब घर में कुछ था तो नहीं, अन्न का दाना नहीं था घर में खाने को, क्योंकि गरीबी ऐसी थी कि जो कमाती थी तो एक बार में बन जाता था। अब आज कुछ नहीं बचा। अब संत आए, चार पांच संत आए, कहा बेटी भूख लगी है। और धरा का नाम सब जानते थे कि सबके घर से भोजन भले ना मिले पर इसके घर भोजन जरूर मिलेगा। तो धरा ने संतों को बिठाया और बगल में गांव में किसी साहूकार सेठ के यहाँ गई। सेठ जी, हमारे घर साधु आ गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, जंगल की लकड़ी आज बेची तो जो पैसा मिला वो संतों को खिला दिया, अब हम कल लकड़ी लाएंगे और जो पैसा मिलेगा आपको चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी से आपका लकड़ी बेच के जंगल की आपका पैसा चुका देंगे, ऐसा माता धरा ने कहा। तो सेठ ने कहा कि तुम कुछ गिरवी रखो तब हम पैसे देंगे। धरा ने कहा गिरवी रखने को होता तो हम बेच ना देती, जो भी ज्वेलरी थी सोना चांदी था सब बेच के वो सेवा कर चुकी है, हमें कुछ उधार दे दो भैया, विश्वास मानो हम 10-5 दिन में आपका पैसा वापस कर देंगे। उस व्यक्ति की नियत बहुत बुरी थी। उस सेठ ने धरा को देखा, धरा बड़ी सुंदर थी और धरा के शरीर बिल्कुल जवान था, सुंदर भी थी जवान भी थी। तो धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, उसने कहा कि यदि तुम हमें अपने ये स्तन दे दो तो हम तुम्हें धन दे सकते हैं। धरा ने 2 मिनट के लिए सोचा, उस व्यक्ति की नियत तो धरा को देखकर डोल ही चुकी थी, नियत का खोटा आदमी था वो। अब माता धरा ने विचार किया, मन में सोचने लगी, माता धरा एक तरफ मेरा शरीर है, दूसरी तरफ संतों की सेवा है, शरीर को बचाती हूं तो धर्म जाता है और धर्म को बचाती हूं तो शरीर जाता है। अब बताइए, शरीर को बचाना आवश्यक है या धर्म को बचाना? घर से अतिथि भूखा चला जाए ये तो धर्म चला गया। अब एक तरफ आपका शरीर है और एक तरफ धर्म है, मेरा सवाल आपसे है कि शरीर को बचाना है, बचाना चाहिए या धर्म को बचाना चाहिए? बोलो, किसको बचाना है, किसको बचाना है? धरा मां ने यही निर्णय लिया कि शरीर तो एक मांस का टुकड़ा है, धर्म रहा तो शरीर शरीर आता जाता, शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। सेठ जी ने कहा तुम्हें मुझे तुम्हारे स्तन चाहिए। धरा ने सौदा मंजूर कर लिया, ठीक है आप मेरे स्तन ले लो पर मुझे कुछ धन दे दो। उसने बड़ी प्रसन्नता से बहुत सारा धन तराजू में रख दिया। धरा ने कहा ठीक है, सौदा मंजूर है। अब वो सेठ बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि बात बन गई। तभी धरा ने कहा भैया आप चाकू तो दीजिए। वो चाकू किस लिए? बोले आपने मेरे स्तन मांगे हैं ना? हाँ हाँ स्तन चाहिए तो चाकू दीजिए। वो समझ नहीं पाया कि चाकू किस लिए मांग रही है, उसकी नियत कुछ और थी और धरा का भाव कुछ और था। उसने चाकू दी तो धरा ने अपने दोनों ही स्तनों को चाकू से काट करके, चाकू से काट करके दोनों स्तन धरा ने उस सेठ की तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। कहा भैया आपको मेरे स्तन चाहिए था तो ये रहे मेरे स्तन। हाँ मुझे धन की चाहत थी क्योंकि संत खड़े हैं, धन अब आप ही अपने हाथ से दो। उसने धन दे दिया। धरा ने बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए भोजन बनाया। उसी लहू लोहान की स्थिति में, रक्त से गीली है, उसी हाल में उन्होंने भोजन बनाया और संतों को जब परोसा, संतों ने देखा कि आपके शरीर से तो रक्त की धार निकल रही है,
संतों ने कहा, ये रक्त कैसे? धरा ने पूरी राम कहानी सुनाई। मेरे पास रोटी नहीं थी, मांगने गई सेठ से पैसे उधार, उन्होंने स्तनों की डिमांड कर दी, इसलिए मुझे ये स्तन काट के देने पड़े। अब तो वो संत जो थे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा कि मेरे सेवा के लिए संतों से इतना प्रेम, समाज की सेवा से इतना प्रेम कि सेवा के लिए आपने अपने स्तनों का दान कर दिया। तुरंत वहां धरा के इस भाव को देखकर भगवान प्रकट हो गए। सेवा करने वाले को देखकर भगवंत प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, मां आपने संतों की सेवा की है और सदा मुझे पुत्र रूप में भजा है। यशोदा माँ सदा भगवान को किस रूप में भजती थी? पुत्र रूप में। तो भगवान ने कहा, आपने स्तनों का दान किया है संतों की सेवा के लिए, जो संतों की सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है, जो सेवा करता है, जो अन्नदान करता है, मैं सदा उस पर प्रसन्न रहता हूँ। आपने पुत्र रूप में भजा है, मैं आपको वचन देता हूँ, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनके आपके इन्हीं स्तनों का पान करूंगा, दूध पीऊंगा। भगवान ने धरा को वचन दिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, इसलिए भगवान ने धरा को माँ यशोदा बनाते हैं और यशोदा के पुत्र बनके भगवान अब माँ का दूध पीते हैं। तो एक माँ हो गई देवकी और एक माँ हो गई धरा, तो यशोदा, तो एक ही भगवान ने दो माताओं को वचन दिया, तो अब इसलिए वो एक रूप में देवकी के यहाँ प्रकट हुए और एक रूप में वो यशोदा के यहाँ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। तो बहन को तो कंस ने मार दिया, हाथ से छूटकर चली गई। अब जो यशोदा माँ का बेटा है साक्षात भगवान, वो दोनों एक हो गए, वो दोनों मिलके यशोदा के पुत्र और देवकी के पुत्र दोनों मिलके एक हो गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, 11.5 साल बाद जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के वृंदावन से मथुरा गए, तो समझो तब एक रूप में तो भगवान मथुरा चले गए, एक रूप में तो भगवान, बोलो एक रूप में तो भगवान मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए, पर एक रूप से भगवान सदा वृंदावन में ही रहे। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो मैं आप सबको कुछ नियम बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन ले लें, उनको कुछ लिख लें, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको आप लिख लें, और उस नियम के जो मैं अभी बताऊं उसके साथ अगर वैसा आप उस तरीके से व्रत करेंगे तो आपको पूर्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप मनोकामना के साथ में ठाकुर जी के उस अष्टमी का व्रत रखेंगे जन्माष्टमी का, तो निश्चित ठाकुर जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, कुछ प्रमुख चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम हमें व्रत की पूर्व रात्रि को हमें प्रेम से रहना चाहिए, उपवास की पूर्व रात्रि को ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोजन कम संख्या में करना चाहिए। मतलब जन्माष्टमी से पहली रात्रि को ही हमें भोजन कम संख्या में करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सेकंड वन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अधिक सूर्योदय हो उससे पूर्व हम लोग उठ जाएं और उठकर प्रातः काल हमको स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। अति शीघ्र में ज्यादा लेट लतीफ ना हो, और लेट लतीफ होने का कोई जरूरत भी नहीं है। उठें और सबसे पहले स्नान करें और स्नान करने के बाद में हमको सर्वप्रथम पृथ्वी को नमन करना चाहिए। पृथ्वी को नमन करके सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अपने इष्ट को नमन करने के बाद में पूर्व मुखी होकर या उत्तरी मुखी होकर हमको बैठना चाहिए। और उसके बाद एक और कार्य करना चाहिए कि हमको फल, जल और कुश का आसन लेकर एक स्थान पर बैठना चाहिए और फिर हमें संकल्प करना चाहिए कि आज हम जो है व्रत करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम इस व्रत को पूर्ण कर सकें, ऐसी हमारे ऊपर दया करें। तो व्रत का संकल्प ले लें। क्या होता है कई बार बिना संकल्प के हम लोग व्रत रहते हैं तो उसका फल हमें उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो व्रत रहने से पूर्व में हमारा ये काम होना जरूरी है कि प्रारंभ में स्नान इत्यादि के बाद सबसे पहले हम संकल्प लें, हमारा ये गोत है, मेरा ये नाम है, मैं इस व्रत को रख रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं ये व्रत पूर्ण कर सकूं, तो ये जरूरी है।
मध्यान्ह के समय जब हम लोग दोपहर में पहुंचे तो हमको काले तिल लेने चाहिए, काले तिल और जल लेना चाहिए, और ऐसा हम लोगों को कार्य करना चाहिए कि जैसे देवकी जी के सूती ग्रह का निर्माण हम कर रहे हैं काले तिल के साथ जल में स्नान करा के, ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि ये हमारे देवकी जी का प्रसूति ग्रह है, सूति ग्रह है, ऐसा हम लोग भाव रखें और काले तिल से ऐसी व्यवस्था करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति चित्र अवश्य रखें, या तो भगवान श्री कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हो माँ यशोदा के साथ में ऐसा छवि रखें, या नारायण के चरण दबा रही है लक्ष्मी ऐसी छवि अपने घर में विराजमान कराएं, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में बालक श्री कृष्ण की ही छवि होनी चाहिए, ज्यादातर तो वही बेस्ट है, वही रखनी चाहिए। इसके बाद विविध विधान से ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए, पूजन भी हम लोग करें, और फिर इस मंत्र का भी जाप आप लोग करें बड़े प्रेम से। इस मंत्र का जाप करें, प्रणवे देव जाननी जननी त्वाम जातस्तु वामनः वसुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः, नमस्तुभ्यं नमो नमः, नमस्तुभ्यं नमो नमः। अगर इस मंत्र का जाप आप लोग ना भी कर सकें तो हमको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद रात्रि में जब 12 बज जाए, ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाए, तो अधिकांश पूजन आपको उसी समय करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है। वैसे तो आप घी का दीपक जला के रखें उस समय, और घी का दीपक जलाकर पंजीरी का भी भोग बना लें, और जो प्रसाद भगवान को बनाना चाहते हैं वो भी बना लें। तुलसी दल उसी समय डालें जब भगवान के समक्ष 12 बजे के बाद जब ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाए, उसके बाद तुलसी दल डालें, क्योंकि तुलसी पहले डालने से जो है व्रत जो फल है भोग है वो पहले ही लग जाता है, और झूठा भोग भगवान को लगता नहीं है। तो जब ठाकुर जी के आगे आप उस वस्तु को समर्पित करें तभी आप सबसे निवेदन है तुलसी दल ठाकुर जी के सामने ही पधराएं।